अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को देखिए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं लेकिन पहली ही बारिश में मंदिर की जो छत है वो टपकने लगी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि इसको जितनी जल्दी ठीक करवा लिया जाए उतना ही अच्छा होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। बड़े ही धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने थे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सैकड़ों कारीगरों ने बड़ी ही मेहनत और लगन से तराश कर मंदिर को बनाया लेकिन पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने का दावा किया जा रहा है। मंदिर की छत से पानी टपकने का ये बड़ा और सनसनीखेज दावा कोई और नहीं बल्कि यहाँ के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया है। 25 तक पूरा हो जाएगा तो वो प्रसन्नता की बात है, लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने पानी टपकने के दावे को नकार दिया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने कहा कि मंदिर की छत पर वायरिंग का काम चल रहा है और अचानक बारिश से थोड़ा पानी आ गया होगा। ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटरप्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। वही राम मंदिर की छत से पानी टपकने की खबरों के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने मंदिर निर्माण के साथ विकास के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसकी जाँच के लिए कमेटी बनाए जाने की मांग की है। इसमें जाँच की आवश्यकता है इस बात की कि सड़क ध्वस्त क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की। जाहिर है अयोध्या महज एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर जांच के बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।